रूस की एयर स्ट्राइक से थर्राए जेलेंस्की ने नाटो देशों को चेतावनी दी। उन्होंने दो टूक बोल दिया कि अगर नाटो देशों ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया तो जल्द ही नाटो देशों पर भी रूस की मिसाइलें बरसेंगी, जिनसे वैसी ही तबाही होगी जैसी एक दिन पहले पोलैंड के पास यूक्रेन की पश्चिम सीमा के पास हुई थी। यूक्रेन का कहना है कि रूस की मिसाइलें वहां एक सैन्य प्रशिक्षण अड्डे पर गिरी थी, जिनसे ऐसी तबाही हुई थी कि रूह कांप उठे। रूस के इस हमले से जेलेंस्की भी थर्रा उठे। Там не відбувалось нічого, що могло би загрожувати території Російської Федерації. І всього лише у 20 кілометрах звідти кордони НАТО. यही नहीं, उन्होंने एक बार फिर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की। इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने नाटो देशों को चेतावनी तक दे डाली। Не закрийте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО. यूक्रेन की ये मांग नाटो देश पहले ही ठुकरा चुके हैं, क्योंकि ऐसा करने का मतलब है रूस से सीधा टकराव। लेकिन जेलेंस्की ने दलील दी कि रूस के हवाई हमलों में आम लोग मारे जा रहे हैं। जेलेंस्की चाहते हैं कि नाटो देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें, क्योंकि ऐसा हुआ तो यूक्रेन के ऊपर से रूस के लड़ाकू विमान नहीं उड़ पाएंगे, और अगर उड़े तो उन्हें मार गिराया जाएगा। नो फ्लाई जोन उस इलाके को कहा जाता है जिसके ऊपर से विमानों के उड़ान भरने पर रोक होती है। आमतौर पर ऐसा सुरक्षा कारणों से किया जाता है। इसे ऐसे समझिए कि आगरा में ताजमहल के ऊपर नो फ्लाई जोन है, उसके ऊपर से कोई भी विमान नहीं उड़ नहीं सकता। एयर स्पेस बंद होना और नो फ्लाई जोन घोषित करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। एयर स्पेस बंद होने से केवल कमर्शियल फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकती, जबकि नो फ्लाई जोन में कोई भी विमान उड़ान नहीं भर सकता। युद्ध में नो फ्लाई जोन घोषित करना बहुत संवेदनशील मुद्दा बन जाता है, क्योंकि किसी इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित करने वाले देश या संगठन को वहां लड़ाकू विमान भी भेजने पड़ते हैं। नाटो देश इसी वजह से यूक्रेन की बात नहीं मान रहे, क्योंकि ऐसा करने पर वो भी युद्ध का हिस्सा बन जाएंगे। यूक्रेन में मिसाइल से हमले का वीडियो वहां के एक इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसे रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया, जिसमें साफ दिखा कि एक आदमी सड़क से गुजर रहा था, तभी उससे कुछ ही दूरी पर मिसाइल जाकर गिरी और बीच सड़क पर आग लग गई। अचानक हुए इस हमले को देखकर वो घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ दौड़ पड़ा। सड़क के बीचों बीच हुए इस मिसाइल हमले के बाद वहां भारी मात्रा में धुआं फैल गया, जिस वजह से कुछ दूरी पर मौजूद चीजें दिखनी ही बंद हो गई।